एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वो रोजाना 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी, काश हमारा भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बेटे के बहू आती और हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, बात तो तुम सही कह रही हो, चलो आज मैं तुम्हारे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मणी बोली, वो कैसे? ब्राह्मण ने कहा कि तुम एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे रख देना। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी पोटली बांध दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे नदी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनने के लिए ये लड़की सही रहेगी। जब वो लड़की घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उससे कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता, मैं आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वो मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देगी। यदि वो मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वो अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वो आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकलने लगे। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतने मोहर है उसके घर में कितनी मोहरे होगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड खटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की के मां ने कहा, ठीक है बाबा, और फिर खांड खटोरे से अपनी लड़की की शादी करके उस ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण के घर आकर कहा, रामू की मां दरवाजा खोलकर देख, मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब आप भी मारने लगे, हमारा तो कोई बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा कि तुम दरवाजा खोलकर तो देखो। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से घर लेकर आई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को पैर भी दबाती थी। इस तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, वह थके हारे आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि ये तुझे झूठ बोल कर रहे हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन के बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो उन्हें जली फूकी रोटियां और बिना नमक के दाल बनाकर देना, खीर का चमचा दाल में और दाल का चमचा खीर में डाल देना। वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली फूकी क्यों है और दाल भी बिना नमक की है। तब बहू ने पलट कर जवाब दिया, एक दिन ऐसा खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खड़ी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई, बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम सातों कोटों की
चाबी मांग लेना। अगले दिन जब वो स्नान करने के लिए जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोटों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही देना है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजा खोला तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन भरे पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर वाला सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, माता लक्ष्मी जी, कार्तिक ठाकुर और तुलसी जी का बिरवा, गंगा, यमुना एवं 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन है? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब तेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। ये सब देखकर बहुत खुश हुई और 16 सिंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाते हो, आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो? यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटा, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोटा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, कार्तिक के ठाकुर और सभी 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि बेटा तो कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि बेटा, यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है? ब्राह्मणी ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहु बेटा खड़ा हो जाए और उस पार ब्राह्मणी खड़ी हो जाए। ब्राह्मणी ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकल कर बेटी की दाढ़ी मूछ भींगे और पवन पानी से गठजोड़ बांधे, तब मानो कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकल कर बेटे की दाढ़ी मूछ भींग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना ना रहा। इस प्रकार ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भगवान की कृपा से बेटे की प्राप्ति हुई।